गठबंधन सरकार से बाहर निकलते हुए अपने पद का इस्तीफा दिया। माननीय राज्यपाल जी ने उनका इस्तीफा स्वीकृत करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम सुन रहे थे, उसके पश्चात विधायक दल की बैठक हुई। उस विधायक दल की बैठक में हमारे सीनियर विधायक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय नंद किशोर यादव जी ने प्रस्ताव रखा, जिस प्रस्ताव का डॉक्टर रमेश कुमार जी, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, भागरथी देवी, जनक राम जी और नितिन दमिन जी ने समर्थन दिया और सभी विधायकों ने एक मत से वो प्रस्ताव पारित किया, जिस प्रस्ताव में भाजपा, जदयू, सभी एनडीए के मित्र पक्ष मिलकर एनडीए की सरकार बिहार में बनाई जाए, बिहार के बिहार वासियों के हित के लिए ये सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के नाते सम्राट चौधरी जी का चयन किया गया और उपनेता के नाते श्रीमान विजय सिन्हा जी का चयन किया गया है। मैं अभी सम्राट जी और विजय जी को दो दो मिनट कहने के लिए कहता हूं और यहां से सभी विधायक जदयू के साथ संयुक्त बैठक के लिए जाएंगे। वहाँ एनडीए की बैठक में वहाँ पर नेता उपनेता चयन किया जाएगा और बाद में फिर माननीय राज्यपाल जी को हम सब मिलेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जीवन के लिए एक ऐतिहासिक कार्य किया और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और यहाँ पर हमारे दो चुनाव प्रभारी के तौर पर नियुक्त हैं आदरणीय विनोद तावड़े जी और दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें बनाया, विरोधी दल का नेता भी बनाया। ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी नेतागण और सभी माननीय विधायकों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूँ कि बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था, उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया और पार्टी का जो दायित्व है एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को मजबूत करना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में 40 की 40 सीट जिताकर बिहार से देने का संकल्प भी हम लोगों ने लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय विजय सिन्हा जी से आग्रह करूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी को भी जिम्मेदारी दी है हमारे सक्षम नेतृत्व। मैं हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूँ कि बिहार के अंदर व्याप्त अपराध, भ्रष्टाचार, जंगल राज की मानसिकता गुंडे राज में तब्दील हो रहा था और सक्षम नेतृत्व ने बिहार की जनता के हित में जो निर्णय लिए हैं, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री और प्रभारी महोदय का
आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जो भी निर्णय है हम लोग बिहार की जनता के भावनाओं के अनुरूप और जनता के जो जनादेश है उसका सम्मान करते हुए बिहार के अंदर एक सकारात्मक रचनात्मक वातावरण बने, ये हम लोगों के संकल्प सुशासन स्थापित करने का, उसको साकार करने के लिए अपने नेतृत्व के आदेश के प्रति आभार और बिहार की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तमाम लोगों का धन्यवाद।